नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इससे पहले एक न्यूज़ स्टोरी में हमने आपको बताया किस तरह से एक आदमी ने कमोटा आइलैंड के नज़दीक नालंदा शिप से बीच समुंदर में जो है छलांग मार दी। छलांग मारने के बाद एक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। जो नालंदा शिप है उसको भी वहीं पर रोक दिया गया और जो पुलिस पर्सनल है वो कमोटा से निकले, साथ ही साथ कोस्ट गार्ड ने भी ज्वाइन किया और एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया गया। हमको अभी ये खबर मिल रही है कि जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने उस आदमी को रेस्क्यू कर लिया है, रेस्क्यू करके उनको कमोटा लाया गया है। कमोटा लाने के बाद उनको जो है CHC ननकौरी में शिफ्ट किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि वो आदमी जो है वो पूरी तरीके से ठीक है और उनको किसी भी तरह का हानि जो है वो पहुंचने का खबर जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही साथ हम आपको बता दें जो नालंदा शिप है ये बताया जा रहा है कि वो भी सेल कर चुका है पोर्ट ब्लेयर के लिए और उस आदमी को जो है CHC ननकौरी में ही अब रखा जाएगा। तो ये काफ़ी एक फॉर्चुनेट सर्कमस्टांस था जहाँ पर एक आदमी जो है छलांग लगा लेता है शिप से समुंदर में और उसको कोस्ट गार्ड बाद में ढूंढ के रेस्क्यू कर लेता है। रेस्क्यू करने के बाद उनको CHC ननकौरी पहुंचा दिया जाता है और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो आदमी था जिसने छलांग लगाई थी नालंदा शिप से समुंदर में, वो आदमी अंडमान निकोबार पुलिस का एक पर्सनल है। तो ये काफ़ी खुशखबरी आई है कि वो जो आदमी ने छलांग लगाया था उसको कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर लिया है वो, और वो पूरी तरीके से ठीक है। धन्यवाद।